गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज टॉपिक जो हमारा है वो है टपल इन पाइथन। तो टपल इज द कलेक्शन ऑफ इंडेक्सेस एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। एक टपल क्या है कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन डेटा टाइप। डिफरेंट एलिमेंट्स का क्या है, कलेक्शन है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, टपल्स कहलाता है। टपल इज पाइथन हैज इंक्रीमेंट यूजिंग द बिल्ट इन क्लास टपल। टपल की जो बिल्ट इन क्लासेस है हमारे पास वो कौन सी है, टपल, ठीक है। बिल्टन क्लास हमारे पास क्या है, टपल की बिल्टन क्लास टपल। टपल इज द रिप्रेजेंटेड द यूजिंग ऑफ पैरेंथेसिस। टपल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट करते हैं। टपल को रिप्रेजेंट करने के किसका यूज करते हैं, पैरेंथेसिस का। जबकि लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज। माइक ऑफ कर दीजिए बेटा, सभी लोग अपने माइक ऑफ कर दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Every elements is the tuple separated by comma. यानी एक के बाद एक elements को अगर separate करना है तो उसके लिए अपन किसका use करते हैं, comma operator का use करते हैं। किसका use करते हैं, comma operator. All tuples implements are the indexes and their index start with zero. यानी सारे elements की जो index है वो किससे start होती है, zero से start होती है। अब यहाँ समझिएगा, the tuple elements are also indexes with the negative numbers. नेगेटिव नंबर से भी अगर जैसे माइनस वन फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट, अगर हम माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ऐसे चला रहे हैं तो इसका मतलब है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लास्ट एलिमेंट को वो कर रहे हैं, किसको, लास्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी ये तुमने पढ़ा, ये कौन सा डेटा टाइप चल रहा है, इम्यूटेबल डेटा टाइप, ठीक। अब देखिए टपल्स को बनाते कैसे, how to create tuples, tuples name, value 1, comma value 2, value 3, इस तरह tuple को represent करते, ठीक है। how to access individual elements, tuple के elements को कैसे access करते, tuple name, index, इस type से, ठीक है। slicing of tuples, tuples start और ending index, ठीक है। फिर हमारे पास tuples start, end और addition, कितने इस तरीके से हम इसको represent करते। मेथड कौन कौन से होते हैं इसके, लैंड, काउंट, शॉर्ट, मैक्स, मिन और इंडेक्स, ये इसके मेथड होते हैं। आज देखते हैं टपल, टपल के ऊपर अपन आज डेमो देंगे और टपल के ऊपर अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले अपन पाई चार्ट को ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ से राइट क्लिक किया अपन ने, न्यू, और एक फाइल लेते हैं टपल डेमो। राइट क्लिक, न्यू, पाइथन फाइल, डेमो, टपल, उस नाम से डेमो टपल नाम से अपन ने यह बात, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक टपल क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, टपल क्रिएट करते हैं। तो जैसे अपन ने बनाया टी वन इक्वल टू ब्रैकेट, टी वन ब्रैकेट, अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट, इसका हमने दे दिया इनिशियल टपल। क्या नाम दे दिया इसका हमने, इनिशियल टपल। यानी टपल में हमें कोई, अभी हमने सिर्फ बनाया टी वन इक्वल टू पैरेंथेसिस, इसका मतलब है कि टपल में अभी हमने कोई एलिमेंट स्टोर नहीं किया, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया इनिशियल, इनिशियल, ठीक है, इनिशियल, इनिशियल एंड एम्प्टी, 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 ऐसा हमारे पास एम्प्टी है। अब इसको आप चाहे तो प्रिंट करके देख लीजिए, प्रिंट, प्रिंट, और यहाँ पर पास कर दिया टी वन। तो अभी इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, अगर इसको भी रन कराओगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखिए क्या है, इनिशियल इज एम्प्टी, इसके अंदर कोई एलिमेंट हमारे पास नहीं। अब हम इसमें एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, टपल वन टी वन में एलिमेंट्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। टी वन इक्वल टू ब्रैकेट में जैसे हमने दिया यहाँ पे नाम दुष्यंत, कॉमा, डबल कोट में हमने दिया वस्ती, कॉमा, यहाँ पे दे दिया हमने चुनती। अगर अब इसको प्रिंट कराएंगे तो इसमें हमने देखिए क्या किया, एलिमेंट्स को और टी वन को, एलिमेंट्स को हमने इसमें क्या कर दिया, डाल दिया। अब इसको देखिए हमने रन कराया, एलिमेंट्स दुष्यंत अवस्थी आए, इतना समझ में आया बेटा, आप बताएं, बताएं बेटा, यस सर। हां, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को देखिए एम्प्टी टपल क्रिएट किया,
और ये हमने क्रिएट किया टपल्स में एलिमेंट डाल, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर टपल एज ए लिस्ट यूज करना चाहे, टपल को अगर हम एज ए लिस्ट यूज करना चाहें तो कैसे यूज करेंगे? जैसे हमने एल वन लिया और लिस्ट में एलिमेंट कैसे डालते हैं, ये एलिमेंट्स ऐड करते हैं इसमें अपन कॉमा लगा के, ये हमारे, ठीक है ना, ये हमारे इसके क्या थे, एलिमेंट्स थे। अब इस माइक ऑफ कर दीजिए बेटा, माइक ऑफ कर दीजिए, ठीक है। अब अभी इसको अपन को यूज करना है एज ए टपल, तो इसको टपल यूज करने के लिए क्या करेंगे, प्रिंट, और यहाँ यूज कर देंगे टपल, क्या यूज करें, टपल, और टपल के अंदर एल वन को पास कर देंगे। तो अब ये लिस्ट एज ए कैसी यूज हो रही है, एज ए टपल यूज हो रही है। लिस्ट को देखिए स्क्वायर ब्रैकेट हट गए, इस लिस्ट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, टपल में। अगर किसी लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जो कीवर्ड यूज करते हैं वो कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, अपन टपल कीवर्ड यूज करते हैं। कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, टपल। इतना समझ में आया, बताए? यस सर, क्लियर। चले अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब नेक्स्ट आते हैं मिक्स डेटा टाइप। अब टपल यूज करते हैं अपन मिक्स डेटा टाइप के साथ, किसके साथ, मिक्स डेटा टाइप के साथ। अब जैसे अपन ने लिया टी वन इक्वल टू ब्रैकेट में जैसे फाइव कर दिया फाइव कॉमा, सिंगल कोट में दे दिया जैसे वेलकम कॉमा सेवन कॉमा। अब देखिए अब इसको यूज कर रहे हैं एज ए मिक्स डेटा टाइप, नंबर भी डाल रहे हैं और स्ट्रिंग भी डाल रहे हैं। अगर इसको आप प्रिंट कराएंगे, प्रिंट टी वन रन कराते हैं इसको, ये देखिए ये मिक्स डेटा टाइप, कैसा डेटा टाइप, मिक्स डेटा। अगर दो टपल्स को एक साथ कर दें, दो टपल्स को अपन एक साथ कर दें, जैसे अपन एक और ली टपल वन हो गया, एक लीजिए टी टू, क्या लीजिए टी टू इक्वल टू ब्रैकेट में अपन ने यहां पे जैसे डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल एक में डाल दिया मान लो पाइथन, ठीक, और एक में हमने डाल दिया जावा, जावा। अब इनको एक एक टपल से किसको ट्रांसफर करते हैं, टी थ्री इक्वल टू क्या दे देते हैं यहाँ पे टी वन कॉमा टी टू, क्या कर दिया टी टू। अब प्रिंट कराते हैं अपन टी टू, प्रिंट टी थ्री, किसको प्रिंट करा रहे हैं अपन, टी थ्री को प्रिंट करा रहे हैं। तो रन टी थ्री को जब प्रिंट कराया अपन, तो ये देखिए हमारा किसको दे रहा है, पहले अपन को फिर अपनी दूसरी वाली किसको टी टू प्रिंट कराया। अब टी टू को जब प्रिंट कराया इसने, तो अपने पास दोनों मिलेंगे, क्या मिलेंगे ये देखिए यहाँ पे देखिए टी थ्री किसको प्रिंट कराया, टी थ्री को, टी थ्री को प्रिंट कराया, तो देखिए दोनों आपके एलिमेंट इसमें मिलेंगे, ठीक है। यानी दोनों टपल्स को हम चाहें तो इस तरह से भी असाइन कर सकते हैं। बताए समझ में आया इतना बेटा, बताए? यस सर। आकांक्षा, अनु, आरती, प्रदीप, सोनी, यस सर, रवि, तादाब, यस सर, इतना समझ में आया कि टपल टपल कैसे बनाते हैं, टपल में मिक्स डेटा टाइप, ये जो टपल है इसमें देखिए मिक्स है सर, एक बार रिवर्स कर दीजिए, इसमें स्ट्रिंग भी डाला हमने, इंटीगर भी डाला है, क्या ठीक है? तो ये क्या हमारा मिक्स डेटा टाइप है, कैसा डेटा टाइप है, मिक्स डेटा टाइप है इसमें, क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब इसके एलिमेंट को एक्सेस करना सीखते हैं। अभी जो जिसने पूछा है कि रिवर्स कर दीजिए, तो वो चीज दोबारा अभी फिर बता देता हूं। अब जैसे अपन ने फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिया प्रिंट, सॉरी यहाँ पे जैसे डिक्लेयर किया टी वन इक्वल टू, यहाँ पे एलिमेंट डाले पैरेंथेसिस लगा के वन टू थ्री, सॉरी हाँ टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये एलिमेंट डाले। अब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ टपल, यानी फर्स्ट टपल के फर्स्ट एलिमेंट को अपन को एक्सेस करना है, किस एलिमेंट को एक्सेस करना, फर्स्ट एलिमेंट, ये अपन ऐसे डालते पहले सिंगल कोट में जैसे डाल दें दुष्यंत पहला,
अब इसके फर्स्ट एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो देखिए इसकी इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से चलता है। जिसे हमें पहले एलिमेंट एक्सेस करना है, हमने दिया इंट पी वन स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर अगर हमने डाल दिया 1, इसके अंदर क्या डाली 1, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा इसके अंदर, देखिए यू क्या मिलेगा, यू तो जीरो इंडेक्स पे क्या है दुष्यंत और डी किस इंडेक्स पे 1 इंडेक्स पे, तो आपको कौन सा लेटर मिल रहा है आपको 1 इंडेक्स आपको यहाँ से मिलेगा, कौन सा मिलेगा आपको यू, यू आपको किस इंडेक्स पे मिलेगा 1 इंडेक्स पे एलिमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। बताएं बेटा समझ में आया इतना अभी इंडेक्स एक्सेस करना, बताएं जी सर क्लियर। अब मान लो अपन को एक्सेस करना है जीरो से लेके 3 तक, कहां तक, जीरो से लेके 3 तक, तो ये हमारी कौन सी इंडेक्स हो गई स्टार्ट इंडेक्स, ये हमारी कौन सी इंडेक्स हो गई एंड इंडेक्स, कहां से आ गया जीरो से लेके डी यू एस एच, तो जीरो से लेके कहां तक आ गया 3 तक, समझ में आया। और अगर हमने यहां पे कर दिया 2, क्या कर दिया 2, तो देखिए जीरो स्टार्ट होगा फिर जीरो के बाद 2 एच मिलेगा, फिर एच के बाद 2 क्या मिलेगा वाई, वाई के बाद 2 क्या मिलेगा एन, यहां पे अपन दे देते हैं 8, क्या देते हैं 8 मिल रहा है आपको, तो इस तरीके से। तो ये आपका होता है स्टेप, कितना स्टेप आप करना चाहते हो, तो ये आपका क्या है इसका स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट है स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट, मेरी बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं, ये बताएं बताएं बेटा समझ जी में आ रहा है जी जी समझ में आ रहा है। रवि आकांक्षा अनु अगर यहीं पे हम मान लो बेटा माइनस में दे दे इंडेक्स, किस में दे दे, जैसे हमने दे दिया -1, आप बता सकता कौन से स्टूडेंट कौन सा एलिमेंट आएगा बताएं जी सर, n आएगा n, n नहीं आएगा बेटा t आएगा, t लास्ट एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट आएगा जी लास्ट एलिमेंट, टी टी हमने बताया ना नेगेटिव इंडेक्सिंग इसमें जाता है लास्ट एलिमेंट। अगर हमने यहाँ पे मान लो पास कर दिया 2, कितना पास कर दिया -2, तो अब देखिए लास्ट सेकंड एलिमेंट कौन सा n, क्या आएगा हमारे पास n, अब आया समझ में जी सर। जीरो इंडेक्स स्टार्टिंग से चलती है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और जब हम बैक साइड से रिवर्स इसमें पाइथन में एक फैसिलिटी है कि अगर हमें बैक साइड से एलिमेंट निकालनी है तो हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं इंडेक्सिंग -1, -2, -3, -4, -5 आप समझ में आ रहा है बताएं रवि यस सर यस सर। अच्छा अनु सोहेल आरती फैजुल यस सर समझ में आ रहा है ना, तो अगर हमने यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया -1, 3 क्या कर दिया -2, 3 अब क्या आएगा देखो कोई नहीं एलिमेंट आएगा क्योंकि हम कैसे चला रहे हैं उल्टा चला रहे हैं, कैसे चला उल्टा, अगर हम ऐसा दे दें -4 तो देखो कह दिया हमने -4 तो भी आपके पास यहाँ पे नहीं जा रहा, यानी माइनस में आपका यहाँ पे नहीं, जब हमें सिंगल इंडेक्स निकालनी होगी तो अपन किस में चलाएंगे माइनस में यूज करेंगे, क्लियर मेरी बात समझ में आ गई यस सर यस सर। चलिए नेक्स्ट, अच्छा अगर हम ऐसे निकालना चाहें अब बताना कॉलन कॉलन -1 ये देखो क्या कर दिया स्टार्ट वैल्यू 0 एंड वैल्यू 0 और -1 तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग उसने क्या कर दिया रिवर्स कर दिया, आया समझ में, ये हमारा होता है ये कौन सी वैल्यू होती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेप वैल्यू, कौन सी वैल्यू होती है स्टेप वैल्यू, तो हमने क्या कर दिया स्टार्टिंग 1 कर दिया एंड 1 कर दिया लास्ट, अगर हम ये कर दे बेटा तो क्या आएगा इसको बताना t1 इक्वल टू सॉरी यही पे कर देते प्रिंट t1
वन से स्टार्ट तक के कहां तक? लास्ट तक, क्योंकि हमने यहां पे कोई इंडेक्स पास नहीं, अगर यहां पे इंडेक्स पास कर दी फोर तो वन से लेके कहां तक चलेगा? फोर तक। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? जी सर। बताएं आप, बताएं समझ में आया कि नहीं, बताएं। जी सर समझ में आ गया। चलिए ठीक है, चलिए अब आपने देखते हैं अपन, ये तो अपन ने हो गया। अब अगर किसी लिस्ट को, अगर जैसे हमने यहाँ पे अभी प्रिंट करा रहे हैं, तो ये देखिए हमारा भी एलिमेंट प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है, हमने यहाँ पे दे दिया, ये देखिए एलिमेंट हमारे प्रिंट होके आ रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे इस लिस्ट को डिलीट करना, तो अपन क्या यूज कर सकते हैं? डेल टी वन, क्या कर रहे हैं? डेल टी वन। अब इसको रन कराइए तो आपकी अब ये डिलीट हो गई, क्या हो गई? डिलीट हो गई। तो डिलीट करने किसी टपल को, अगर किसी लिस्ट टपल को डिलीट करना है तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं अपन? डेल मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड यूज करते हैं? डेल मेथड। हो जाएगा? बताएं, बताएं बेटा। जी सर हो जाएगा सर, बता दीजिए सर। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगर शॉर्ट करना, क्या करना? शॉर्ट करना, क्या करना? शॉर्ट करना। तो जैसे हमारे पास एलिमेंट्स पड़े हैं सर। हाँ सही, डेल वाला एक बार आप बताए थे वो नहीं हो रहा सर, ऐसा ही आता हमारे में भी। तो ऐसे तो आएगा ही ना कि अगली लाइन डिलीट हो चुकी है ना, तो एरर तो देगा ही देगा। इसको कमेंट में डाल दो आप, अब नहीं आएगा। जी सर अब सही हो गया। यस सर। अब जब आप बताइए, हम मैसेज क्या दे रहा है आपको? ये मैसेज दे रहा है कि आप ये बोल रहा है कि ड्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल प्रिंट टी, ये आपने प्रिंट नेम टी वन नॉट डिफाइंड। अब जब यहाँ पे आपने डिलीट कर दिया, आगे प्रिंट कराओगे तो डिलीट हो गया कि नहीं हो गया? एरर देगा ना, समझ गए ना क्यों एरर आ रही है? जी सर। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसमें अपन ने एक बनाते हैं x इक्वल टू, मान लो अपन ने यहाँ पे कोई भी एलिमेंट डाल दिया 2 8 2 2 8, ठीक है, उसके बाद अपन ने 1 4 6 3 7 इस टाइप से एलिमेंट अपन ने इसमें डाल। अब इन एलिमेंट्स को अपन को शॉर्ट करना, क्या करना? शॉर्ट करना, क्या करना? शॉर्ट। तो प्रिंट मेथड हमने क्या बताया, क्या यूज कर सकते हैं? शॉर्ट, और इसके अंदर पास कर देंगे एक्स। क्या पास कर देंगे? देखिए एलिमेंट आपके कैसे हो गए, आप एक शॉर्ट कैसे आ गए, शॉर्ट हो गए। अगर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो आप कैसे करेंगे? प्रिंट, अगर लिस्ट में बताया था अगर याद हो आपको, शॉर्ट एक्स कॉमा क्या दे देंगे यहाँ पे, रिवर्स इक्वल टू क्या बताया था, क्या देंगे यहाँ पे? ट्रू। अब आप इसको प्रिंट करा लीजिए। प्रिंट करा दीजिए, ये देखिए एलिमेंट आपके किस ऑर्डर में आ गए? रिवर्स ऑर्डर। बताएं बेटा, हो गया क्लियर? कर लोगे? हो जाएगा? जी सर। यस सर हो जाएगा। सर ये रिजर्व का है, मतलब रिवर्स का मतलब रिवर्स का मतलब होता है बेटा रिवर्स ऑर्डर में। इसके लिए रिवर्स ऑर्डर में पहले जो, जैसे हमने पहले सॉर्टेड ऑर्डर दिया है उसका रिवर्स कर देगा सॉर्टेड ऑर्डर का। ठीक है ना, पर इंडेक्स एक्स में दी है उसका रिवर्स करेगा सर। इसका इसका इसका, इसको कमेंट में डाल दीजिए ना। उसको लिस्ट से मतलब है, किससे मतलब है? लिस्ट से मतलब है। लिस्ट। अब से लेंथ निकाल ली उसकी, लेंथ निकालने के क्या बताया हमने? एल प्रिंट लेंथ, प्रिंट लेंथ एक्स, क्या कर दिया? कितने एलिमेंट पड़े टोटल? सेवन एलिमेंट, ठीक है। इसी तरह आपको निकालना प्रिंट एक्स डॉट इसके अंदर क्या पास कर देंगे? x। तो ये क्या निकाल देगा? मिनिमम। अगर आपको इसी तरह करना प्रिंट
मैक्स निकालना, क्या निकालना है मैक्स, मैक्स इसमें क्या पास कर दोगे, आईफोन आया था ठीक है ना, सही है आप किसके मेथड है लैंड ठीक है ना, अब हो जाएगा कर लोगे जी सर। आज की क्लास में बेटा इतना ही रखते हैं, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। और बताएं किसी सदाब को ओके थैंक यू।